आशीर्वाद ओ गणपत जी जसरा जी वार्ड पंचायत राजा जी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनको धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले मैं मेरी विधानसभा की जो जनता है, भाजपा के कार्यकर्ता है, उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को मौका देती है वो जनता की आवाज़ होती है तब देती है। तो मैं समस्त मेरी विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता, जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता है, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक आवाज़ के रूप में उन्होंने ये कहा कि ये कार्यकर्ता के रूप में हमारा काम कर रहा है, तो इसको प्राथमिकता और तीसरी बार टिकट मिलनी चाहिए। और सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ जो मैं भारतीय जनता पार्टी के सिवाणा विधानसभा के समस्त पितातुल्य बुजुर्गा, युवा साथियाँ और मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने उनकी आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल के शीर्ष नेताओं के पास ये आवाज़ उनकी पहुंची कि जनता की आवाज़ के लिए हमारा एक सेवक के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसको मौका देना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हुआ मेरे जयपुर के समस्त प्रदेश लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको धन्यवाद देता हुआ शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लगाकर, राजस्थान के अध्यक्ष जी से लगाकर, प्रतिपक्ष और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी से लगाकर सबको, शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मुझे मेरे पे विश्वास जताया और जनता की आवाज़ पे मेरे पे विश्वास जताया। अभी भी मैं विश्वास के साथ मेरे कार्यकर्ताओं के बल और इनकी ताकत के आधार पर कह सकता हूँ कि ये जनता मुझे जीता कर एक नेतृत्व करने के लिए भेजेगी। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। भारतीय जनता